और एट एवरी वन दिस इज मी अमा फ्राम नाइटर्स आज हम देखने वाले हैं क्रूड ऑपरेशन का थर्ड ऑपरेशन जो कि अपडेट से रिलेटेड है इससे पहले हम इंसर्ट का देख चुके हैं क्यूरिंग का देख चुके हैं यानी डॉक्यूमेंट्स को क्यूरी करने का और आज थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास यानी अपडेट का सो so, आपने क्या करना है सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है अपडेट इन मोगो डी बी डॉक ठीक ओके वट एवर आप कुछ भी लिख दें लेकिन आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है ठीक है और यहाँ पर आपको अपडेट का जो इसका पूरा प्रोसेस है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा ठीक so, है सो अपडेट वन है अपडेट मेनी है और रिप्लेस वन है इसके साथ मुख्तलि तरह के और भी मेथड्स हैं जैसे कि फाइंड वन इन अपडेट है और फाइंड एंड फाइंड वन एंड रिप्लेस वगैरह के मेथड हैं हम उनको भी टच करेंगे ठीक है सो चलते हैं अपने मोगो के ऊपर right. so, um, और राइट सो हम मैं सबसे पहले स्विच करता हूँ डेटा के ऊपर डी बी और चेक करता हूँ मैं कि मैं राइट जगह पे हूं यानी ओके ठीक हो गया आ, मैं पर्सन 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 कलेक्शन कलेक्शन के के अंदर डॉट अंदर और यहाँ पर हम अपडेट करना चाहेंगे सबसे पहले अपडेट वन की कमांड हम देखते हैं सो so, हम लिखते हैं डी बी डॉट पर्सन डॉट अपडेट वन ओके सो अपडेट वन क्या करता है बेसिकली ये ओनली वन uh, जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट करता है ठीक है अच्छा अब आपने करना क्या है लेट्स सपोज अगर आपने अपडेट वन करना है यानी एक डॉक्यूमेंट को आप अपडेट करना है तो बेहतर यह है कि आप आईडी को टारगेट करें ठीक है आईडी को टारगेट करने से फायदा यह होगा कि सिर्फ वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो है वही अपडेट होगा बाकी डॉक्यूमेंट्स को कुछ नहीं कहा जाएगा लेकिन अगर आप कोई ऐसा की इसके अंदर कोई ऐसी की इसके अंदर यूज करते हैं जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं जैसे कि नेम की ये वो रिपीट हो रही है और दो नेम सेम आ जाते हैं तो ये अपडेट वन का मेथड क्या करेगा कि इसको जो सबसे पहला रिकॉर्ड मिलेगा ये सिर्फ उसी को अपडेट कर देगा ठीक है सेकंड पे ये स्विच नहीं करेगा सो लेट्स सपोज मैं अपडेट वन के लिए यहाँ पर आईडी को टारगेट करता हूँ ठीक है आप नेम या इधर एज वगैरह को भी आप टारगेट कर सकते हैं बट उनमें इशू यही है जो मैं जो मैंने आपको बताया ठीक है कि आप बेसिकली उसके अंदर फिर क्या हो सकता है कि आपको जो है वो आ, मतलब फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो उसको मिलेगा सिर्फ उसी को अपडेट करेगा ठीक है so, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडर स्कोर आई ठीक है कॉलम का नेम और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट आई ठीक है और इसके अंदर मैं आई पास कर देता हूँ वो वाली ठीक है अब नेक्स्ट आपने क्या करना है इसके अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट पास होता है फर्स्ट आर्गूमेंट ये होता है कि आपने उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को फाइंड कर लिया सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारे पास होता है सेट का ठीक है यानी आप सेट का ऑपरेटर डालेंगे जिससे ये होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट के किसी स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट्स उनको चेंज कर सकें ठीक है जैसे सपोज यहाँ पर नेम है नेम मेरे पास जोना है ठीक है या वटेवर जो भी है मैं यहाँ स्मित कर देता हूँ इसको और यहाँ पर कॉमा डाल के मैं इसकी ई को कर देता हूँ स्मिथ एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक हो गया आपने सिंपली क्या करना है इंटर हिट कर देना है ठीक है यहाँ पर आप देखें कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है एक्नॉलेज ट्रू मीन के ये जो है ना रिटर्न हो गया जो डॉक्यूमेंट है ये अपडेट हो गया ठीक है इंसर्टेड आई डी नल ठीक है मैथड अकाउंट वन और मोडिफाइड अकाउंट वन ठीक है यानी एक एक इसको मिला है डॉक्यूमेंट एक और उसने उसको मॉडिफाई कर दिया ठीक है यहां से जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो आपको नजर आ जाएगा यहां पर ये यह डॉक्यूमेंट मेरा अपडेट हो चुका है स्मिथ के ऊपर ठीक so, है सो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है अपडेट मेनी का ये तो था सिंपल अपडेट वन अपडेट मेनी के अंदर आपने क्या करना है जैसे मैं लिखता हूँ डी डॉट परसन डॉट अपडेट मेनी ठीक है अपडेट मेनी के अंदर ये है कि आप किसी ऐसे कॉलम को टारगेट करते हैं जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा हो ठीक है अब जैसे मैंने कहा कि जहां जहां पर एज ट्वेंटी थ्री है ठीक है सपोज जहां मैंने कहा ट्वेंटी थ्री है मैंने सेकंड कॉलम पास कर देना है वहां पर मैं लिख देना है डॉलर सेट ठीक है वहां वहां क्या करो वहां, वहां पर एज को जो है वो um, 30 कर दो, ठीक हो गया। ये मैंने सिंपली इंसर्ट कर दिया ठीक है अब ये मुझे सामने नजर आ रही है करता हूं तो इसको एक ही डॉक्यूमेंट मिला है एज ट्वेंटी थ्री का ठीक है और उसने अपडेट कर दिया यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एज देखें थर्टी हो गई है ठीक है ओके okay, नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस uh, वन का रिप्लेस वन का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है ठीक है मैं आपको इसका एक डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ ठीक है जैसे आप लिखते हैं डी बी डॉट सॉरी क्लियर कर लू ओके okay. मैं यहाँ लिखता हूँ डी बी डॉट परसन डॉट रिप्लेस वन ठीक है सो रिप्लेस वन में थोड़ा सा एक एडवांटेज की मैंने बात की वो एडवांटेज ये है ना कि आप सपोज किसी एक फील्ड को आप रिप्लेस करते हैं तो उसके जो बाकी के अगर ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यू या ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू आपने प्रोवाइड नहीं की तो वहां से वो जो चीजें वो रिमूव हो जाएंगी ठीक है लेट्स सपोज मैं आपसे सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे स्विच करता हूँ तो ही है। मैं पे यहां पर देख लेता हूँ पे ठीक हो गया मैं इस आईडी को यहाँ से उठाता हूँ ठीक है लेट्स सपोज मैं इसको रिप्लेस वन करता हूँ ठीक है और यहाँ पर मेरे अंडर स्कोर आई डी यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट आई डी और आई डी के अंदर मैंने आई डी पास कर दी ठीक है सेकेंड बात ये कि ये सेट के ऑपरेटर को नहीं एक्सेप्ट करता ठीक है सेट का ऑपरेटर अगर आप देंगे तो ये आपको बता देगा कि एटॉमिक वैल्यू आप इटरेट इसमें इंटर ना करें ठीक हो गया सपोज मैंने इसका नेम चेंज कर दिया डेविड मैं बैकअप कर देता हूं डेविड बैकअप ठीक हो गया और ईमेल लेट्स सपोज मैं चेंज कर देता हूं ईमेल dev wait it's not david david dot sorry david@gmail.com ठीक हो गया और मैं एंटर करता हूँ लेकिन यहाँ देखें इसके अंदर एज भी है एड्रेस भी है हॉबीज भी है तो इसका डिसएडवांटेज ये है इसको ज़रा एहतियात से यूज़ कीजिएगा ठीक है अब जैसे मैंने एंटर कर दिया इसने एक्नॉलेज ट्रू कर दिया और मैच काउंट वन और चेंज वगैरह कर दिया ठीक है मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से अपने सेकंड लास्ट रिकॉर्ड पर स्विच करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी कि आपके उस रिकॉर्ड में से जो रिमेनिंग फील्ड्स थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं ठीक है सो रिप्लेस वन के मेथड को थोड़ा कम ही यूज़ कीजिएगा और थोड़ा एहतियात के साथ ही ठीक है ओके सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो एक्स्ट्रा इसके अंदर दो मेथड है वो है फाइंड फाइंड वन वन इन इन अपडेट का और रिप्लेस का ठीक है आपने लिख दिया एंड एंड अपडेट ठीक है अब फाइंड वन एंड अपडेट का मेथड भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि आपने यहां पर आई डी को फेच कर देना है ठीक है सिंपली यहाँ पर आपने सॉरी ऑब्जेक्ट आई डी इस तरह से आपने पास करनी आई डी ठीक है और जो सेकंड इसका होगा अपडेट के अंदर हमने सेट का ऑपरेटर लिखा था यहाँ पर ठीक है आपने सेट उसी तरह से लिखना है यहाँ पर अपडेट कर देना है ये करेगा क्या कि एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट um, को अपडेट भी करेगा और रिटर्न भी करेगा जैसे फाइंड मेथड हमारे पास करता था ना फाइंड करता था रिकॉर्ड को तो ये फाइंड भी कर देगा रिटर्न भी कर देगा और साथ में अपडेट भी करेगा जैसे मैं इस रिकॉर्ड की इस आई को लेता हूँ ठीक है लास्ट रिकॉर्ड है मेरे पास ही थोड़ा सा मुझे स्क्रोलिंग करने में आसानी रहती है लास्ट रिकॉर्ड के लिए बस एंड पे पहुँचना होता है ठीक है और यहाँ पर नेम को जो है वो मैं लेट्स सपोज किमी कर देता हूँ ठीक है ओके okay. सो so, ये रिटर्न भी कर देगा मेरे पास अब इसने पुराना रिटर्न कर दिया कि ऑब्जेक्ट आईडी ये थी नेम ये था लेकिन जब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा और मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा तो आपको ये ना नजर आ जाएगा ठीक है इसका नेम जो है वो अपडेट हो चुका है यहाँ पर कि मैं आ चुका है ठीक है ओके सो okay. so, ये था फाइंड वन एंड अपडेट द लास्ट वन इज फाइंड आई थिंक सो री प्लेस डी बी डॉटन डॉट फाइंड वन एंड रीप्लेस ओके सो फाइंड वन इन रिप्लेस अगेन वही उसी तरीके से काम करता है कि ये यहाँ पर आपकी सिंपली आई ले लेगा ठीक ले है ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे कर यहां पर कर लीजिएगा यहाँ पर ये आपकी ऑब्जेक्ट आई डी ओके और सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पर आपका ये ले लेगा ले जो जो आपने रिप्लेस करना है ठीक है यहाँ पर आपने जो जो रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो ये आपको रिप्लेस करके रिटर्न करेगा बता अगेन मैं कहूंगा कि रिप्लेस के कमांड को थोड़ा सा एहतियात के साथ यूज कीजिएगा क्योंकि ये प्रीवियस सारे डेटा को रिमूव करके पूरे के पूरे जो पूरे का पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसको रिप्लेस कर देता है तो अब आप, आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन ओपन है एनी टाइम यू कैन कमेंट एंड ए आई विल फाइंड सोल्यूशन एंड देस यू बैक थैंक यू गायस फॉर वाचिंग बाय